Praise the Lord. Hallelujah. Shalom. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज कितना सुंदर दिन है, आज रविवार का दिन है और आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। लॉकडाउन के कारण हम जो है प्रभु के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आज हम मैं चाहता हूं कि यहीं पे बैठे बैठे आप भी अपने घर में बैठे बैठे प्रभु की आराधना करें। और कितना सुंदर समय प्रभु ने हमको दिया है, हम एक मन होकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं और प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। प्रियो, हम प्रभु की आराधना करना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, चाहे हम जहाँ पर भी रहे, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पिता अब ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो आज परमेश्वर की आत्मा आज आपको देख रही है, आपको निहार रही है कि आप कैसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो आइए हम इस आराधना को शुरुआत करेंगे और हमारे बीच में सिस्टर जॉली है और वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम सब एक मन होकर प्रभु के चरणों में आएंगे। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय को आप आशीषित करें प्यारे प्रभु, अपने अभिषेक से भरे प्रभु जी। हम सब जैसे प्रभु राजा एक मन होके तेरे सन्मुख इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, हालेलुया, इस ऑनलाइन मीटिंग में प्यारे प्रभु तू आशीष दे प्यारे प्रभु जी, अपने अभिषेक से भर दे सामर्थ्य परमेश्वर। और जिस प्लेटफॉर्म से भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सबको तेरी आशीषों से तू भर दे प्यारे प्रभु राजा। हमारे बीच में तू चिन्ह चमत्कार चंगाइयां छुटकारे काम आश्चर्य कम होने दे प्यारे प्रभु जी। हर एक की चिंताएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक के रुके हुए काम यीशु के नाम से बन जाए, हर एक की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक प्रकार की रुकावट यीशु नाम से दूर हो जाए, शैतान के सहारे दुष्ट योजनाएं दुष्कार दुष्बंधन यीशु नाम से श्रापित कर देते हैं प्रभु। तू अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा राजा है, तू हमारा स्वामी है और आज हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, अपनी आवाजों को ऊंचा उठा के तेरे लिए गीत गाना चाहते हैं प्रभु। इस आराधना के समय में तेरा पवित्र आत्मा जोरों से मंडलाए, हर एक घर घर में मंडलाए, हर एक परिवारों में मंडलाए, हर एक प्रकार की हानि जो शैतान हमारी करना चाहता है उसे हम यीशु नाम से दूर कर देते हैं। अपने सुरक्षा का बाड़ा तो अपने लोगों के चारों ओर लगा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद कि तू हमारा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा राजा, तू ही हमारा स्वामी है। एक बार फिर से अपना संपूर्ण समर्पण हम तुझे करते हैं और तुझे हम अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करते हैं, मानते हैं, जानते हैं प्यारे यीशु राजा, और तू ही हमारा प्रभु है। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ये महामारी के दिन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत इन्फेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं और ऐसे समय में प्रभु ने आपको और मुझको जीवित रखा है। हालेलुया, भजन संहिता 91 के अनुसार जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा, वो तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रभु के लोगों एक ही आशा हमारे पास है कि प्रभु परमेश्वर हमको पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। उसका जो वायदा हमारे साथ है वो पूरा होगा। अगर आपका संपर्क प्रभु के साथ है, अगर आपने प्रभु के साथ अपने संबंध अच्छे बना के रखे हैं, अगर आप पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ज़रूर परमेश्वर आपको बचाएगा और आपको इस महामारी में से भी परमेश्वर उभारेगा और आपको चलाएगा। आइए वो सुंदर सा गीत गाते हैं, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है, वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वो ही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। आइए इस गीत को गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम। हालेलुया, सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना
कितना सुंदर समय प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया। गीत कहता है कि तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। हम तन देते हैं, मन देते हैं, लेकिन धन देना बड़ा मुश्किल होता है। कहते कि जो है कुछ लोगों की ऐसी हाल होते कि जो है चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए।
लेकिन प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि धनवानों का प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बहुत ज्यादा कठिन है। और जो है आज ऐसे जब हम विश्वासी लोग और खास करके जो प्रभु के लोग हैं, और चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनके दिल में हालेलुया एक बहुत बड़ी भावना होती है कि मैं प्रभु के लिए धन भी दूंगा। तन दिया है, मन दिया है, धन भी दूंगा। और जब हम धन देते हैं तब जो है मालूम चलता है कि आप सच में प्रभु को प्रेम करते हो। हालेलुया। तो जब हम प्रभु को धन भी देते हैं, तन और मन तो दे ही देते हैं, लेकिन जो धन देते हैं तो जो है हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति प्रभु यीशु से खरा प्यार करता है। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जो है पैसे के प्रेमी हैं और पैसे से ज्यादा वो प्रेम करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम दो जो है धनियों की, दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। हालांकि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें धन को जो है कहना पड़ेगा कि मेरा जो धन है वो परमेश्वर की सेवा करेगा और परमेश्वर की महिमा भी करेगा। हालेलुया। मेरे धन के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा होगा। मेरा धन, मेरा मन, मेरा धन यीशु के लिए। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। हालेलुया। Lord.
जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाया है, जीवी आत्मा का दान उसे दो, आराधना उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाया है, जीवी धन्यवाद प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा के लिए। ओ प्रभु हम अपना तन मन और धन तुझे देते हैं राजा, तेरी महिमा हो तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना हो प्रभु, हम तन मन धन तुझे देते हैं प्रभु, अपने जीवन में सब कुछ तेरा प्रभु तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। ओला बाबा शिखाला बाबा रिया ताला बाबा रिया रा 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 संदो रोतो को रिया तरा बा रिया ला बा रा बा हालेलुया। तो प्रियो कितनी ये अच्छी बात है कि हम प्रभु को तन मन और धन दे सके, हालेलुया। तो हम प्रभु को तन मन और धन हम दे, हालेलुया। सुलेमान बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो प्रभु परमेश्वर को प्रेम करता था, और वो इतना प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। एक बार तो उसने जो है प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाना शुरू कर दिया, चढ़ाता रहा 1000 होम बलि चढ़ाए, चढ़ाता ही रहा वो प्रभु की सेवा के लिए, चढ़ाता ही रहा। और मेरे ख्याल से जब उसने वो होम बलि चढ़ाना बंद किया, 1000 चढ़ाए, उसी रात परमेश्वर ने उसको सपने में कहा सुलेमान तू क्या चाहता है, मांग तू क्या चाहता है। तो जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हमारा लालच और हमारी सारी ऐसे पैसे का प्रेम हटा के हमें प्रभु से प्रेम लगाना है, हमें अपने परिवार को सिखाना है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। और बहुत सारे पिताओं ने माताओं ने अपने बच्चों को सिखाया कि वो प्रभु से पहला प्रेम करें, प्रभु को जो देना है वो प्रभु को दें, सिर्फ दशमांश ही नहीं लेकिन अपने समय का भी दशमांश, अपना तन अपना मन परमेश्वर की सेवकाई के लिए होना चाहिए, हालेलुया। और तब हम संतों के बीच में रह सकते हैं, हालेलुया। उन संतों में कौन है बताए, उन संतों में प्रभु यीशु मसीह भी है। सारे संतों के बीच में तू प्रभु यीशु, सारे संतों के बीच में तू, हालेलुया। आज आप जहां बैठे हो ना वहां पे प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद हूँ, हालेलुया। और आज जैसे आपका परिवार वहां बैठा है, आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे। ये सुंदर सी आराधना का गीत गा के हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे प्रियो। I'm Karoo.
हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं अब राहत के लहरों से डूब दूध के सागर में अब राहत के लहरों से डूब दूध के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा हे प्रभु अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से जोरावर हाथ को बढ़ा अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा प्रभु मुझे अपने सीने से लगा हम करूँ हम करूँ शुक्रगुजार हूँ प्रभु तेरा शुक्रगुजारी से मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी हे प्रभु अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे काम को अंजाम पाऊं तेरे
जंगल के सफर में आऊं शुक्र गुजारी से मैं, आऊं शुक्र गुजारी से मैं, आऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हो राजा, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तू जिंदा खुदावंद है, संतों के बीच में नजर आता है मुझे ऐ मसीह। हालेलुया प्रभु, तू संतों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। तू करूबों में और सराफों में प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग दूतों में और परमेश्वर पिता स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। और आज हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, और तू इतना बड़ा है प्रभु परमेश्वर कि स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। और प्रभु तू कहता कि तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, लेकिन तू इतना छोटा भी बन जाता कि हमारे दिल में तू आ जाता है प्रभु जी, और हमारे दिल में प्रभु तुझे स्थान मिल जाता है, और उस जगह पे तू आके रहना चाहता है। खुदा बाप, आज हर एक व्यक्ति जो ये मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, हर एक जन अपने दिल में तुझको जगह दे। खुदा बाप, हे प्रभु परमेश्वर, तेरे लिए लोग बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेस बना रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन आज तेरी इच्छा यह है कि तू हमारे दिलों में आके रहे, और हमारे दिल को प्रभु परमेश्वर, हमारे दिल का राजा तू बने प्रभु। हमारे सोचों में तू हो प्रभु जी, हमारे विचारों में तू हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे हमारे प्रभु परमेश्वर पिता संवादों में तू हो प्रभु, हमारे बोलने में तू हो प्रभु जी, हमारी पवित्रता में यीशु हो प्रभु जी, हमारे व्यवहार में यीशु हो। और उस यीशु को आज हम प्रभु परमेश्वर देखना चाहते हैं प्रभु जी, उस यीशु को हम हालेलुया अपनाना चाहते हैं, और हम यीशु मैं होना चाहते हैं। हर एक जन को तू आशीषित कर प्रभु। बहुत सारे लोग बीमार हैं, हे परमेश्वर पिता, ये महामारी ने बहुतों को मारा है खुदा बाप। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो जो लोग यीशु मसीह का नाम ले वो उद्धार पाए। तेरे वचन में लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा प्रभु, जो जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि जो जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, इस महामारी से बचेगा, जो जो प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा, जो जो प्रभु यीशु को अपने पापों से माफी मांगेगा वह अनंत जीवन पाएगा, वह अनंत जीवन पाएगा। हे प्रभु परमेश्वर, एक एक व्यक्ति जो तुझे पुकार रहे प्रभु परमेश्वर, उनकी दुआ को तू कबूल कर पिता प्रभु जी। ओ हालेलुया, तेरी सामर्थ मंडलाए, तेरी सामर्थ मंडलाए प्रभु जी। ओ उन हॉस्पिटलों में प्रभु परमेश्वर पिता, ओ पवित्र आत्मा तू जा प्रभु जी, ये जो मरी फैली है पिता परमेश्वर, इस मरी को प्रभु परमेश्वर पिता ओ दूर कर दे प्रभु जी। जैसे प्रभु दाऊद ने प्रभु परमेश्वर वो बलिदान चढ़ाया, और जो सारे इज़राइलियों के ऊपर मरी आई थी, उस मरी से तूने उनको बचाया प्रभु परमेश्वर, उसी प्रकार आज इस वेदी पर हमने प्रभु धन्यवाद की भेंटे चढ़ाई है, इस वेदी की पुकार को सुन के, इस वेदी की आराधना को सुन के प्रभु परमेश्वर पिता, हो प्रभु हमारे दिल्ली के ऊपर की महामारी दूर कर, हमारे भारत के ऊपर की महामारी दूर कर प्रभु, लोग मरते जा रहे हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर, तेरे पाप का न्याय तू दे रहा है, हमारे पाप का न्याय तू दे रहा है प्रभु जी, और तेरा न्याय प्रभु परमेश्वर खरा है पिता परमेश्वर। प्रभु पाप की मजदूरी मौत है, और वो मौत लोगों के ऊपर आ रही है, हमारी माँ हमें क्षमा कर प्रभु जी, हमें पापी, हम पापी लोग हैं प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर, जो जो तुझे पुकारे उनको तू क्षमा कर, और उनको तू हालेलुया दीर्घायु कर, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते तूने हमारी दुआ कबूल करी है, और धन्यवाद देते कि तू हमारे साथ है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हर विश्वासी के अंदर वो विश्वास दृढ़ उत्पन्न हो प्रभु, मौत का डर किसी के अंदर आने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया, मौत हमको छू नहीं सकती जब तक कि परमेश्वर इजाजत ना दे प्रभु। हालेलुया, जिस दिन हमें मरना है
बड़े खुशी के साथ उस मौत को गले लगाएंगे प्रभु जी, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तेरी सेवा करेंगे। जैसे पौलुस कहता है, हालेलुया, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए तो लाभ है। और जो प्रभु परमेश्वर दिए तो लाभ है प्रभु मरना, और प्रभु हम तो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु परमेश्वर मौत का डर नहीं है। कोई विश्वासी को मौत का डर नहीं, हर एक को आशीषित कर। और प्रभु परमेश्वर पिता, ज्यादा प्रभु परमेश्वर पिता न्यूज में ही रहकर जो डर की आत्मा उनके अंदर आई है, वो सारे डर की आत्मा उनके जीवन से मैं दूर कर देता हूँ प्रभु। आशीष दे और उनको प्रभु तेरे वचन पर ध्यान लगाने के लिए और वचन पर मनन करने के लिए, ताकि उनका कल्याण हो, इसलिए सहायता कर प्रभु, कार्य कर। एक एक व्यक्ति को मैं यीशु के नाम से आजाद कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति को मैं छुटकारा दे रहा हूँ। एक एक व्यक्ति यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो जाए, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो जाए, उनके बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रियो प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आज प्रभु परमेश्वर ने यह समय हमें दिया है, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। और कितना सुंदर समय है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके और प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हमारे जीवन के द्वारा हो सके, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन को जाके देखेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम आशीषित होंगे, हालेलुया, और प्रभु कार्य करेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हम, हालेलुया, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का पहले वचन से लेकर। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा हाँ मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश को चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ी के ऊपर मैं तुझे बताऊँगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे पिता, उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वहां पे हम देखते कि कैसे जो है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपना सब कुछ जो है जिससे तू प्यार, पहले तो प्रभु ने उसको कहा कि अपने पापा को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे। उसके पापा जो है मूर्ति पूजक थे, मूर्ति का काम करते थे, और वो देश को छोड़ने के लिए प्रभु ने उसे कहा। और अब्राहम तैयार हुआ और वो अपने पिताजी के घराने को और जो जायदाद संपत्ति उसको मिलने वाली थी वो सारी छोड़ के वो चला गया जहाँ परमेश्वर ने उसे कहा था, और वो बिना एड्रेस, बिना कोई पते के चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब वो आगे चला और परमेश्वर ने उसको जो है बच्चा दिया 100 साल जब हुआ था और सारा 90 साल की, तब जो है परमेश्वर ने उसको एक पुत्र के द्वारा आशीषित किया और उस पुत्र को वो बहुत प्यार करता था। और प्रभु भी कहता है कि जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर, उस बेटे को संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां मैं तुझे बताऊंगा उस जगह मोरिया देश को चला जा, और उस जगह पे तू जो है उसको क्या कर, बलिदान करके चढ़ा। और यहाँ पे हम देखते कि कैसे अब्राहम ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया। अब्राहम ने कहा कि ठीक है मैं जाऊँगा, और जो है वो अपने बेटे को ले गया। और वहाँ पे एक बात
तो थी नहीं और वहाँ पे होम बलि के लिए भेड़ था ही नहीं, और वो होम बलि के लिए पापा होम बलि के लिए तो भेड़ है नहीं, उसको क्या पता कि जो है वो ही एक भेड़ बनने वाली है। और अब्राहम जो परमेश्वर को इतना प्रेम करता था और वो इसका इतना प्रेम था, परमेश्वर ने जब उसको अपना बेटा मांगा तो वो बेटा देने के लिए भी तैयार हो गया, जिस बेटे को वह बहुत प्रेम करता था और उसके पास कोई बेटा नहीं था, इकलौता बेटा इसहाक, उसको देने के लिए तैयार हो गया। आज हम देखते कि कितना प्रेम वो प्रभु से करता था, और आज हमें भी प्रभु से उतना ही प्रेम करना है। बहुत सारे लोग प्रेम करते नहीं प्रभु से, प्रभु से प्रेम करते नहीं। तीन बच्चे हैं, कहते एक को जो है डॉक्टर बनाएंगे, दूसरा बहुत होशियार अच्छा इसलिए उसको इंजीनियर बनाएंगे, और तीसरा पढ़ता नहीं इसलिए उसको पास्टर बनाएंगे। ऐसे लोग कहते हैं, जो अच्छा नहीं वो प्रभु को दो। फटी पुरानी नोटें सारी 10 जगह पे चला के देखी है, वहाँ पे चली नहीं वो चर्च में डाल दो। ऐसे कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो प्रभु के भवन के लिए सबसे बेस्ट देते हैं, सबसे अच्छी नोट है, सबसे करारी नोट है, और वह प्रभु को बहुत प्यार करते हैं। प्रियो, आज क्या आप प्रभु को प्यार करते हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये करो या वो करो, अपने आप आपके मन से होगा और आपका काम जो है प्रेम से भरा हुआ रहेगा। ये नहीं कुड़कुड़ा कर काम करना और प्रेम से काम करना, शिकायत भर काम करना और प्रेम से काम करना, ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। जो है प्रेम से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुड़कुड़ा कर काम करना अच्छा नहीं। योना हो सकता था कि प्रचार करने के लिए जाता, कुड़कुड़ा कर प्रचार करता, लेकिन प्रभु ने उसको दिखा दिया कि तेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। तब अगली बार जब वो गया, बड़े प्रेम से गया, और उसको मालूम चला कि परमेश्वर की सेवा करना कितनी बड़ी बात है। आज मैं जिंदा हूँ तो सेवा के लिए जिंदा हूँ। आज खैर काश ऐसा हर विश्वासी जाने कि आज मैं जिंदा हूँ तो प्रभु की सेवा के लिए हूँ, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं प्रभु के प्रचार के लिए हूँ, नहीं तो मैं जो है इस महामारी में कब का मर जाता, जैसे वो जो है योना मर गया, योना जो है उस पानी के अंदर चला गया, और कब का जो है वो ख़त्म हो जाता, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया और उसको लाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने जो है हालेलुया उसे बचाया और काम कराया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उत्पत्ति में इब्राहिम को हालेलुया जो है उसकी परीक्षा की और कहा कि भाई जो है आपको प्रभु परमेश्वर की सेवा करनी है। हम एक और वचन देखेंगे, मेरे ख्याल से पहला इतिहास उसका 21 अध्याय का 22 वचन। और यहाँ पे हम अगर प्रभु परमेश्वर का वचन देखें, हालेलुया, कि यहाँ पे जो है दाऊद ने पाप किया था और दाऊद ने प्रजा की गिनती ली थी। 17 वचन से आगे पढ़ेंगे हम। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वो क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वो तो मैं ही हूँ, परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। तब यहोवा के दूत ने गात को दाऊद से ये कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गात के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब ओरनान ने पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके संग थे।
थे छिप गए। ओरनान तो गेहूं दावता था। जब दाऊद ओरनान के पास आया तब ओरनान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत किया। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, उस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं उस पर यहोवा को एक वेदी बनाऊं, उसका पूरा दाम लेकर मुझको दे कि ये विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वो वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अनबलि के लिए गेहूं, ये सब मैं दे देता हूँ। राजा और दाऊद ने ओरनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और न सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊँगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शिकेल सोना तौल कर दिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी, उसने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। ये देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहाँ बलिदान किया। आमेन। यहाँ पे प्रभु का वचन बड़े सुंदर रीति से कहता है कि कैसे जो है परमेश्वर की मरी इस जो है संपूर्ण इज़राइल लोगों के ऊपर आई थी। स्वर्गदूत जो है तलवार निकाल के लोगों को मारना शुरू कर दिया था और जब ये मरी इस इज़राइल लोगों के ऊपर आई तब परमेश्वर तब जो है दाऊद को परमेश्वर ने जो है कहा कि भाई जा और क्या कर, एक जो है परमेश्वर के लिए वेदी चढ़ा, वेदी बना। और दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शकेल सोना तोल कर दिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की वेदी बनाई, होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। यहां पे हम देखते कि परमेश्वर गुस्सा था लेकिन परमेश्वर का गुस्सा इस दाऊद ने शांत किया। आज परमेश्वर गुस्सा है संपूर्ण विश्व पर और जो गुस्सा है उस परमेश्वर का और वो दिखाई दे रहा है कैसे मरी महामारी यहाँ पे आई हुई है हमारे भारत में संपूर्ण विश्व में महामारी। अब इस परमेश्वर के गुस्से को कैसे शांत किया जाए? परमेश्वर के गुस्से को शांत करने के लिए परमेश्वर की आराधना की जाए। परमेश्वर की आराधना हर एक परिवार के द्वारा अपने अपने घर में की जाए और जब वे परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाएंगे, जब प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, जब परमेश्वर के लिए दशमांश चढ़ाएंगे, उठाने वाली भेंटें चढ़ाएंगे, जब वे परमेश्वर के लिए अपना तन मन और धन देंगे तब परमेश्वर जो है आनंदित होगा। लिखा है कि उसने फ्री में आराधना नहीं करी, फ्री की आराधना नहीं चाहिए, मैं अपना कीमत चुकाऊंगा, मेरे पास जो पैसा है वो प्रभु की सेवा के लिए। हालांकि ओरनान उसको फ्री में देने के लिए तैयार था लेकिन उसने लिया नहीं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो प्रभु का है, मैं जो है दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं मैं अवश्य इसका दाम ही देकर इसे मोल लूंगा, जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और ना सेंत मेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। सब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 600 शकेल सोना तौल कर दिया। प्रभु की आराधना करनी है तो हमें हालेलुया तौल के देना है। प्रभु ने तो कहा है दशमांश, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भाई बहन हैं वो दशमांश से बढ़कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दशमांश से बढ़कर देते हैं क्योंकि वो प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, वो पैसे से प्रेम नहीं करते। दाऊद ने 600 शकेल सोना तोल कर दे दिया और उस जमीन को लेकर उस पर परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर की आराधना करके वहां पे वेदी बनाई, वेदी बना के वहां पे होम बलि और मेल बलि चढ़ाई और फिर प्रार्थना भी की। क्या प्रार्थना की? यही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जो गलती करी है माफ कर और इस जो है गलती का प्रभु
जो है प्रतिफल सारे देश को मत दे, माफ कर माफ कर। और बाइबल में लिखा है कि जब वो होम बलि और मेल बलि चढ़ा रहा था उस समय प्रभु उस पर खुश हुआ और उस वेदी पर आग परमेश्वर ने बरसाई, लिखा है। और उस जो है होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर परमेश्वर ने उसकी सुनी, और परमेश्वर ने उसकी सुनी तो वहां पे स्वर्गदूत को कहा गया कि अपनी तलवार म्यान में रख ले। परमेश्वर के लोगों, कलवरी कलीसिया के लोगों, जितने सारे विश्वासी हैं मेरे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि ये मरी हमसे दूर हो जाए तो जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, पश्चाताप की प्रार्थना की, आपको भी और मुझको भी प्रार्थना की आवश्यकता है। जैसे नहमय ने कहा कि प्रभु हम इजरायलियों ने पाप किया है, प्रभु हम लोगों ने पाप किया है, उसी प्रकार हमें कहना चाहिए कि हम दिल्ली वासियों ने पाप किया है, हम भारत वासियों ने पाप किया है। हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए और हम कहेंगे मैंने तो नहीं पाप किया, मैंने तो नहीं व्यभिचार किया, लेकिन दिल्ली में व्यभिचार चल रहा है, दिल्ली में परमेश्वर को घृणा देने वाली बातें चल रही है, और उसके लिए माफी कौन मांगेगा? दिल्ली में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग। भारत में इतने इतने गंदे काम चल रहे हैं, घृणित काम चल रहे हैं। बाइबल में देखो कौन से घृणित काम प्रभु को लगते हैं, वो सारे घृणित काम जो है दिल्ली, भारत और संपूर्ण विश्व में चल रहे हैं। और हम अगर चाहते कि हमारी जमीन का श्राप जाए, अगर आप चाहते कि हमारे भारत का श्राप जाए, तो विश्वासियों खड़े हो जाओ, अपने घुटनों पे खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस सारी मरी को दूर करे। ये पहला वचन हमने देखा, दाऊद को परमेश्वर ने जो है कहा कि मोरिया देश को चला जा, है ना, 22 के उसके दूसरे अध्याय में लिखा है मोरिया देश को चला जा। और यहां पे हम देखते हैं कि कैसे ऑर्नान की खलियान को दाऊद ने खरीद के वहां पे वेदी चढ़ा बनाई, वेदी पर होम बलि और लगा के प्रार्थना की और वहां पे परमेश्वर ने उत्तर दिया। ये दो जगह हम देखते हैं। अब जो है एक प्रॉब्लम आ गई सुलेमान के पास, इतना सारा धन संपत्ति दाऊद ने सुलेमान को दिया था परमेश्वर के भवन बनाने के लिए, कि कहां परमेश्वर का भवन तू बनाएगा, तू परमेश्वर का भवन बनाएगा, तू परमेश्वर का भवन बनाएगा। भाई ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन कहां बनाएंगे, कहां बनाएंगे, कौन सी जगह है वो? तो उसके बारे में जो है बात हुई, तब परमेश्वर ने जो है उसको एक स्थान दिया। और वह स्थान कौन सा था पता है? पूछा गया प्रभु कौन सी जगह पे, तो वो वही जगह थी जहां पे अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा इसहाक अर्पण किया था। अब वो वही जगह थी जहां पे दाऊद ने परमेश्वर की आराधना की थी, वही जगह थी जहां पे होम बलि और मेल बलि चढ़े थे, जहां पे प्रार्थना की थी, अजो अर्नान से खलियान खरीद लिया था, उसी जगह पे सुलेमान का मंदिर बनना शुरू हो गया। आपको पता ये बात? ये बहुत बड़ा जो है बात है ये। और बाइबल में लिखा है दूसरा इतिहास उसके तीसरे अध्याय के पहले वचन में, तब सुलेमान और सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ऑर्नान के खलिहान में तैयार किया था। देखो यहां पे कौन सा शब्द आ रहा है, मोरिया नाम उस पहाड़ पर। और उत्पत्ति उसका 22 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि मोरिया देश में चला जा, मोरिया देश में चला जा। और यहां पे लिखा है कि ऑर्नान ने दाऊद से कहा कि मुझे वो खलिहान दे, और वो दाऊद कहता कि मैं पूरा दान लेकर इसे मोल ले लूंगा, 600 सकेल सोना तोल के दिया। और यहां पे लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ उसी स्थान पर यहोवा का भवन बनाना, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ऑर्नान के खलिहान में तैयार किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है प्रियो, कि प्रभु परमेश्वर वहां पे अपना घर बनाता है।
प्रभु परमेश्वर वहां पे आने की इच्छा रखता है कि जहां पे त्याग है। दाऊद ने मोरिया जगह पे उस पहाड़ पे त्याग किया था और उसी जगह पे दाऊद ने भी जो है त्याग किया था। अब्राहम ने त्याग किया जहां पे अपना एक लौता बेटा दिया और जहां पे दाऊद ने भी 600 शकेल सोना देकर वहां पे वेदी बनाई उसी जगह को परमेश्वर ने चुना। आज अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपका जीवन चुनेगा, आपका दिल चुनेगा। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रह कर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा, जहां जिस जीवन में त्याग है, प्रभु से प्रेम है, दाऊद अब्राहम ने प्रभु से प्रेम किया, अपना एक लौता बेटा उसने दिया, उस जगह पे प्रभु आ गए और उस जगह के पर जगह को प्रभु ने मंदिर बनाया, सुलेमान का मंदिर बनाया। जिस जगह पे अरनान ने वो देने के लिए तैयार हुआ फ्री में, लेकिन दाऊद ने फ्री में नहीं लिया, लेकिन वो उस 600 शकेल सोना तोल कर दिया, त्याग किया प्रभु के लिए, उसने फ्री में नहीं लिया। और वहां पे परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपना भवन बनाना शुरू कर दिया। प्रियो, आज आपके जीवन को प्रभु बनाना शुरू कर देगा, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग बना देगा प्रभु। कौन सी जगह बनाता है प्रभु पता है? बिल्डिंग उस जगह बनाता है जहां पे त्याग है। परमेश्वर वहां पे काम कर रहा है जहां त्याग है। अगर आप परमेश्वर के लिए त्याग कर रहे हो, हालेलुया, त्याग किसी भी तरीके से जो प्रभु चाहता है वो त्याग करिए, हालेलुया। और वो त्याग करके परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर को अपना बेटा दीजिए, जैसे अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा दिया, दाऊद ने जैसे सोना प्रभु के लिए तौल के दिया, आप भी प्रभु के लिए दीजिए। और तब वहां पे परमेश्वर देखना कि कैसा जबरदस्त काम करेगा, कैसे वहां पे हम देखते कि जो है 1000 होम बलि सुलेमान ने जो है चढ़ाया और वहीं पे प्रभु ने कहा क्या चाहिए तुझे बता दे, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझको, तूने 1000 होम बलि चढ़ाए, मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाऊंगा। जहां त्याग है वहां पे प्रभु है, प्रभु आपके त्याग को देख रहा है, आपके त्याग, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपका प्रभु के प्रति जो प्रेम है, परमेश्वर आपको देख रहा है उसको, और उसके बदले में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर में आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको आशीषित करे और आपको इस रविवार का दिन अच्छी तरह मनाने के लिए सहायता करे। अगर वहाँ पे यहाँ पे चर्च में नहीं आ पा रहे हैं आप, तो चिंता मत करिए, प्रभु आपके साथ है, हालेलुया, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में प्रभु कहता है मैं हूँ। आज आपके घर में भी प्रभु है, आज यहाँ पे भी प्रभु है, और हम एक मन होकर प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं, इसलिए सारी जगह पे प्रभु है, वह सर्वव्यापी है। आप जहाँ पे भी घुटने टेकिए, आपके घर में घुटने टेकिए और हाथ उठाइए और प्रभु आपको आशीषित करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस वचन को आशीषित करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रियो, हालेलुया, आज प्रभु ने बहुत सुंदर रीति से हमें बताया कि कैसे त्याग पूर्ण रीति से जो भी काम प्रभु के लिए करेंगे, उपवास करेंगे त्याग पूर्ण रीति से, प्रचार करेंगे त्याग पूर्ण रीति से, अपना समय निकाल के उपवास प्रार्थना की सभा में आएंगे जब ये लॉकडाउन खुलेगा, आप जो है वो त्याग पूर्ण रीति से अपना दशमांश देंगे, हालेलुया, चर्च बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए देंगे, त्याग करके अपना बेटा प्रभु के लिए देंगे। प्रभु कहता कि हालेलुया, और जो प्रभु के लिए देगा वो उसको जरूर पाएगा, जरूर आशीषित पाएगा, जरूर प्रतिफल देगा।
दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेट अस प्रे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं पिता, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु तू वहां पे आता है कि जहां पे त्याग है, हमारे घरों को भी तू चुन ले प्रभु जी, कि वहां पे त्याग हो प्रभु, तेरे नाम से उपवास किया जाए प्रभु, तेरे नाम से प्रभु परमेश्वर तुझे बहुत कुछ चढ़ाया जाए प्रभु परमेश्वर, प्रभु और तेरी महिमा हो प्रभु जी, वो घर प्रभु परमेश्वर एक त्याग की जगह बने प्रभु जी, ताकि उस घर को प्रभु तू बनाए और आशीषित करे प्रभु जी, उन बच्चों को तू बनाए और बड़े बड़े ऑफिसर बनाए प्रभु जी। हे प्रभु जी, इन माता पिताओं का त्याग देख जो परमेश्वर के लिए करते हैं, हर रोज सुबह उठ के वो प्रार्थना करते उस त्याग को देख प्रभु जी, अपने बच्चों को वो बाइबल पढ़ाते उस त्याग को तो देख प्रभु जी, अपने बच्चों को वो स्तुति भेंट पढ़ाते वो त्याग को देख प्रभु जी, अपना दशमांश देते उस त्याग को देख प्रभु जी, प्रभु तेरे प्रचार के लिए वो जाते वो त्याग को देख प्रभु जी, प्रभु देख वो चर्च के लिए इतने दूर से आते हैं प्रभु, उनके त्याग को देख प्रभु जी, और उनके त्याग के बदले में जैसे तूने प्रभु जी और सुलेमान का मंदिर बनाने के लिए सहायता किया प्रभु जी, और वो ऐसी जगह बना जहाँ त्याग हुआ था, उसी प्रकार उनके घरों में प्रभु जो त्याग हो रहा है देख प्रभु जी, और उनके घरों को आशीषित कर प्रभु। तू वहां पे आना बहुत पसंद करता है कि जहां पे त्याग होता है, जहां पे प्रभु जो लोग तुझे प्यार करते हैं, जो लोग तुझे अपने दिल में जगह देते हैं प्रभु, आशीषित कर हर एक व्यक्ति को, आशीषित कर। सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन को प्रभु ग्रहण करने के लिए सहायता कर, हर एक व्यक्ति के बंधन तोड़ दे। आज जो जो व्यक्ति बेरोजगार है उनको रोजगार दे राजा, और खास करके प्रभु जी ये लॉकडाउन के बाद प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए हर एक की सहायता कर, ये महामारी प्रभु बंद हो जाए, रुक जाए प्रभु जी। आज हम पश्चाताप करते हैं प्रभु हमारे पापों के लिए, जो पाप हम दिल्ली वासियों ने किए हैं, जो पाप हम भारतवासियों ने किए हैं प्रभु माफ कर दे प्रभु जी, और हम सब लोग प्रभु परमेश्वर तेरे पास आते हैं, माफ कर दे प्रभु जी। जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना की और वह मरी थम गई प्रभु जी, ओ जहां प्रभु परमेश्वर उस स्वर्गदूत ने वो तलवार अपने म्यान में फिर से रखने के लिए तूने कहा प्रभु जी, और स्वर्गदूत ने वो म्यान फिर से रख ली और उसके बाद में नहीं मरे लोग प्रभु जी। उसी प्रकार है खुदा बाप हमारे भारत पर तू अपना रहम कर प्रभु जी, हमारे दिल्ली के ऊपर तू अपना रहम कर खुदा बाप, और हमें तू बचा ले प्रभु जी, हमारे भारत को बचा ले, हमारे दिल्ली को बचा ले प्रभु जी, हमारे कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को बचा ले प्रभु परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं, हमने पाप किया प्रभु जी, हमने निंदा की प्रभु जी, हमने तेरे विरोध में बोला, तेरे लोगों के विरोध में बोला प्रभु जी, हमने प्रभु तेरी लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया, हमने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं किया प्रभु जी, हमने पाप किया प्रभु जी। हे प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर, हम दिल्ली वासियों के पापों की क्षमा कर, हम भारत वासियों के पापों की क्षमा कर, और इस महामारी को दूर कर दे प्रभु जी। हे प्रभु तू कार्य कर, हर एक परिवार प्रभु परमेश्वर अपने घरों में वेदी बना के तेरी स्तुति धन्यवाद स्तुति भेंट चढ़ाने वाला बने प्रभु जी, प्रार्थना करने वाला बने, बाइबल पढ़ने वाला बने प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर उनकी बाइबल पढ़ने के द्वारा और उनकी दुआओं के द्वारा प्रभु जी ये महामारी यीशु के नाम से दूर हो जाएगी, हमारा पूरा विश्वास है प्रभु जी। धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, आदर महिमा सम्मान तुझको देते हैं। जितने भाई बीमार है, जितनी बहनें बीमार है, उनको यीशु के नाम से मैं चंगाई देता हूं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाओ, यीशु के कोड़े खाने द्वारा चंगे हो जाओ। Hallelujah. Receive your healing right now. Hallelujah. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, let your mighty power come and fall upon them right now, O God. Hallelujah. And heal them, O Master, in Jesus' name I pray. Hallelujah. Bless your children, O God. Use them for the glory, O God. Hallelujah. Dhanyavad Prabhu tune mari prarthna suni hai. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तू ये मरी हटा रहा है प्रभु जी, धन्यवाद ओ प्रभु परमेश्वर, हम अपने पापों को मान लेते हैं प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर तुझसे माफी मांगते पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन और आमेन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, और इस फेसबुक और यूट्यूब से देखने वाले हर एक मेरे भाई बहन के साथ, हर एक प्रेक्षक के साथ, हमारे प्यारे लोगों के साथ, जो जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब के साथ, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे, आमेन आमेन और आमेन। शालोम। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे। शालोम शालोम शालोम।